पैरों में एड़ी की सूजन का सबसे सस्ता घरेलू इलाज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसटी हेल्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं पैरों में सूजन आने पर इसके उपायों के बारे में। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव होते हैं जिससे व्यक्ति की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन दिनों बदलती लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में भी लोगों को तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। साथ ही कई बार इस समस्या का कारण पौष्टिक आहार ना लेना भी होता है। पैरों में अगर सूजन आ जाए तो पैरों में बहुत ही दर्द होता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग बहुत सी दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समस्या ज़्यादातर महिलाओं में होती है। अगर आप भी पैरों में दर्द और सूजन से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इससे बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों पहला उपाय है फिटकरी। दर्द और सूजन से आजकल कम उम्र के लोग भी परेशान हैं, ऐसे में अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं तो इसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर फिटकरी काफ़ी असरदार है। आपको करना ये है कि शरीर के दर्द या सूजन वाले हिस्से पर इसके पानी से सिकाई करनी है। पैरों में सूजन होने पर आप एक टब में गर्म पानी में फिटकरी डालकर पैरों को इसमें डुबोकर भी बैठ सकते हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों दूसरा उपाय है बर्फ़। पैरों में सूजन की समस्या कम करने के लिए बर्फ़ से सिकाई करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों की सिकाई करने के लिए आइस पैक को किसी सूती कपड़े या पतले से तौलिए से लपेट लें। अब इससे सूजन और दर्द से प्रभावित हिस्से पर 3 से 4 बार करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए सिकाई करें। इसके अलावा आप आइस क्यूब की मदद से पैरों के निचले हिस्से पर रोल कर सकते हैं, इससे आपको पैरों में दर्द से आराम मिलेगा। दोस्तों तीसरा उपाय है हल्दी। हल्दी की मदद से भी आप सूजन को दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं और इसे फैट कर पेस्ट बना लीजिए और इसको सूजन वाली जगह पर लगाइए। जब यह सूख जाए तो इसको हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। यह उपाय भी पैरों की सूजन को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों पैरों की सूजन से छुटकारा पाने के लिए हल्दी वाला दूध किसी रामबाण से कम नहीं है। बस आपको करना यह है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध गुनगुना करके इसका सेवन करना है। इससे आपके पैरों की बढ़ रही सूजन से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों चौथा उपाय है बेकिंग सोडा और चावल का पानी। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा और चावल का पानी आपके पैरों की सूजन को तुरंत ठीक कर देगा। इसके लिए आप थोड़े से चावल उबाल लें, फिर इसके पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें और फिर इन दोनों को अच्छे से मिलाकर इस पेस्ट को 15 मिनट तक सूजन वाली जगह पर लगाइए। ऐसा करने से आपको तुरंत पैरों की सूजन से राहत मिलेगी। पांचवा उपाय है नींबू और दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, नींबू से भी आप अपने पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, साथ ही 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है और 1 चम्मच दूध लेना है। आपको इन सभी चारों चीज़ों को लेकर मिला लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को सूजन वाली जगह पर लगाइए, इसको रात भर लगा रहने दीजिए और सुबह इसको गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे भी आपके पैरों की सूजन खत्म हो जाती है। दोस्तों छठा उपाय है जौ का पानी। जी हाँ दोस्तों, जौ का पानी पैरों की सूजन को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों इस पानी को पीने से पेशाब ज़्यादा आता है, जिससे शरीर के सारे गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और इससे पैरों की सूजन भी कम हो जाती है। आपको इसके लिए करना बस इतना है कि 1 कप पानी में जौ भिगो देने हैं, फिर उस पानी को रात भर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको इस पानी को छानकर पीना है। ऐसा करने से आपके पैरों में सूजन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए
और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।